पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यही कारण है कि समंदर की बायोडायवर्सिटी बेहद विशाल है। खैर, ये अलग बात है कि हम आज तक समंदर के जीवों के बारे में आटे में नमक बराबर ही जानते हैं, लेकिन जैसा कि इंसान की क्यूरियोसिटी उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती, हम लगातार समंदर की रहस्यमय दुनिया के जीवों की तलाश में लगे हुए हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाले ऐसे जीवों के बारे में जो सच में अद्भुत है। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय दुनिया, जहां आपको मिलेंगे हैरतअंगेज प्राणी जिनके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। व्हाट इज द मारियाना ट्रेंच? मारियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जो मारियाना आइलैंड से करीब 200 किलोमीटर पूरब की तरफ है। देखने में ये बिल्कुल आधे चांद की तरह है। इसकी लंबाई करीब 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो पानी की सरफेस से लेकर ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु की दूरी करीब 11034 मीटर है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर पूरे हिमालय को इस पानी में उतार दिया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी पानी के अंदर 2 किलोमीटर गहराई तक डूब जाएगी। अगर ये समंदर इतना गहरा है तो सोचिए यहाँ कितने और कैसे कैसे मरीन क्रिएचर्स रहते होंगे। नंबर 12, डेकापॉड क्रस्टेशियंस। गहरे समंदर में इस क्रिएचर की करीब 1500 से भी ज्यादा स्पीशीज है, जिनके लगभग 10 पैर होते हैं। श्रिम्प, लॉबस्टर और क्रैब ये सब के सब क्रस्टेशियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। समंदर में इस बिरादरी की एक खास जगह और जीने का अलग तरीका है। खैर, इंसानों को तो ये भोजन की थाली में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। दुनिया के बहुत से हिस्सों में इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है। ये मारियाना ट्रेंच के गहरे समंदर में भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, जहाँ एक्सट्रीम वाटर प्रेशर होता है और लाइट का नामो निशान तक नहीं होता। नंबर 11, कस्क ईल। ये जो मछली आपको नजर आ रही है, ये दरअसल ईल है ही नहीं, ये तो एक बोनी फिश है, मगर इसकी अपीयरेंस की वजह से इसे ये नाम मिला है। ये मछली ज्यादातर समुद्र में 27,000 फीट नीचे रहती है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये करीब 6 से 6.5 फीट तक लंबी हो सकती है। किसी बोनी फिश के लिए इतनी गहराई में रहना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये मछली सचमुच किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 10, फैंग टूथ फिश। अब जरा बड़े बड़े दांतों वाली इस मछली से भी मुलाकात कर लीजिए। इसका नाम है फैंग टूथ फिश, जो समंदर में करीब 16,000 फीट गहराई में रहती है। ये समंदर के पास हिस्से में रहना पसंद करती है, जहां बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। इसका भयानक रूप देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये केवल 6 इंच लंबी होती है। खैर, इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इन्हें कभी भी समंदर के सरफेस पर नहीं देखा गया। वैसे आप देख ही सकते हैं कि इनके दांत कितने लंबे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके दांत दुनिया भर की सारी मछलियों के बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे बड़े हैं। है ना ये कुदरत का करिश्मा। नंबर 9, क्लैम्स। मारियाना ट्रेंच जितना गहरा है, उस हिसाब से यहाँ पानी का दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए गहरे पानी में हार्ड शेल या कठोर हड्डियों वाले क्रिएचर्स का मिलना लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि भारी दबाव में इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ ज्यादातर सॉफ्ट और हल्की बॉडी के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। मगर ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये क्लैम्स समंदर की इस गहराई में भी पाए जाते हैं। रिसर्चर्स के लिए भी इस बात को स्वीकारना मुश्किल था। खास बात ये थी कि क्लैम्स जहाँ पाए गए, वहाँ समंदर की सतह पर करीब 17 हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समंदर के फ्लोर पर बने ऐसे होल्स होते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसेस निकलती रहती है। यानी सिर्फ वाटर प्रेशर ही नहीं, ये क्लैम्स इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। यकीनन ये किसी जादुई क्रिएचर से कम नहीं है। नंबर 8, एकॉन वॉर्म। अब जरा इस आइटम को देखिए, ये बिल्कुल किसी हुक की तरह दिखाई देता है। मारियाना ट्रेंच में पाए जाने वाला ये जीव बहुत ही कमाल का है। इसकी सूंड जैसी इस चीज को देखिए जरा, ये बिल्कुल एक एकॉन के फल की तरह दिखाई देती है। यही वजह है कि इसका नाम पड़ा एकॉन वॉर्म। इसकी साइज और डिजाइन देखकर ही समझ आ जाता है कि इसकी चाल ढाल भी ढीली ढाली सी ही होगी। ये बहुत धीमे धीमे मूव करता है। समंदर में ये बहुत ही गहराई में रहते हैं और इसलिए लोगों की नजरों से अक्सर बचे रहते हैं। नंबर 7, सी क्यूकम्बर। अब इसे देखिए, गुदगुदे शरीर वाला जीव जो किसी छोटे क्यूकम्बर की तरह दिखाई देता है। अगर इनके साइज की बात की जाए
तो ये करीब 6 फीट तक लंबे होते हैं। आपको बता दें कि समंदर के तल में रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये टॉप पर होंगे। इनकी बॉडी शेप देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि ये थुलथुले शरीर वाले जीव समुंदर की गहराइयों में वाटर के इमेंस प्रेशर को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते होंगे। इस जीव की अब तक 1250 से भी ज्यादा प्रजातियां आइडेंटिफाई की जा चुकी है, जो अलग अलग कलर्स, साइज और शेप की होती है। सचमुच अगर ये पानी में नहीं रहता तो लोग इसे क्यूकम्बर समझकर खा जाते। वैसे लोग इसे खाते तो है, मगर इसका टेस्ट क्यूकम्बर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 6, सिक्स गिल शार्क। आइए अब मिलते हैं एक अनोखी शार्क से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किस मछली के 5 के बजाय 6 गिल्स होते हैं। ये मछली साइज में करीब 20 फीट लंबी हो सकती है। इसे दिन के समय में ओशन सरफेस पर छलांगे लगाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। वैसे ये शार्क समंदर में 8200 फीट की गहराई तक भी जा सकती है। अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये छोटी मछलियाँ, स्क्विड्स, क्रैब्स और दूसरी छोटी शार्क को खाना पसंद करती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है सूंघने की ताकत। ये दूर से ही सूंघकर अपने शिकार का पता लगा लेती है। नंबर 5, डीप सी ड्रैगन फिश। वैसे तो ये भी एक मछली है, मगर ये बिल्कुल किसी ईल की तरह दिखाई देती है। इसकी स्किन बहुत ही स्लिम और स्लिपरी होती है। हाँ, मगर इसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं है। जरा इसके दांत तो देखिए, कितने बड़े और नुकीले हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये आमतौर पर ठंडे और गहरे पानी में रहती है, जहाँ रोशनी का नामो निशान भी नहीं होता। इसके कुछ बॉडी पार्ट्स बायोल्यूमिनस होते हैं, जो अंधेरे में चमकते हैं। यानी ये अपने साथ एक नेचुरल टॉर्च लेकर चलती है। अब अंधेरे में रहती है तो रोशनी की कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इस रोशनी का इस्तेमाल ये कभी कभी अपनी ही प्रजाति की दूसरी मछलियों के साथ कम्युनिकेट करने में भी करती है। ये चमकने वाली बॉडी पार्ट्स शिकार को फंसाने के लिए चारे का काम भी करते हैं। इस चमक की ओर दूसरे जीव अट्रैक्ट होते हैं और बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं। नंबर 4, ऑर्ब जेलीफिश। मैरियाना ट्रेंच में पाया जाने वाला अब तक का सबसे विचित्र जीव है ये। जरा इसे देखिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोशनी का एक गोला है, जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर से लिपटा हुआ है। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक ये एक जेलीफिश है। जी हाँ, जेलीफिश दिवाली की सजावट का आइटम मत समझ लेना। ये क्रिएचर समंदर में 12,000 फीट से भी ज्यादा गहराइयों में पाए जाते हैं। ब्राइट येलो कलर की बॉल जैसी डिजाइन वाले इस क्रिएचर के चारों तरफ सुनहरे टेंटिकल्स लटके होते हैं। वाकई ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब तक इस स्पीशीज के जीन्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि शायद ये जेलीफिश से हटकर कुछ अलग और अनोखी स्पीशीज है। नंबर 3, फ्रिल शार्क। ये मछली इंसानों की नजरों में बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये पानी में नीचे 5,000 फीट की गहराई में पाई जाती है। इसकी बॉडी का साइज कुछ ईल की तरह होता है। इस मछली की खासियत ये है कि अपने शिकार पर किसी सांप की तरह झपटती है और उसे निगल जाती है। ये अक्सर सेफेलोपॉड्स और दूसरी छोटी शार्क्स को अपना भोजन बनाती है। इसका मुंह देखिए जरा, ये इतना ज्यादा खुल सकता है कि ये शिकार को एक ही बार में पूरा का पूरा निगल जाए। इसकी गिल स्लिट्स की बनावट इतनी भयानक है कि बिल्कुल किसी कटी फटी झालर की तरह दिखाई देती है। यही वजह है कि इसका नाम फ्रिल शार्क पड़ा। इसके मुंह में करीब 300 दांतों की 25 रोज है, यानी पूरा मुंह ही दांतों से भरा हुआ है, और दांत भी बिल्कुल किसी भाले की तरह नुकीले। ये मछली तो सचमुच किसी शैतान की रिश्तेदार लगती है। नंबर 2, सी डेविल एंग्लर फिश। ये नाम जितना खतरनाक है, ये मछली उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी ये भयानक बॉडी तो देखिए जरा, और भाले की तरह नुकीले दांतों से भरा हुआ मुंह। हे भगवान, इससे भयानक आइटम मैंने आज तक नहीं देखा। सचमुच इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे नर्क से ही आई है। ये मछली दिखने में तो इतनी भयानक है ही, लेकिन अगर आप इसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस सुनेंगे तो कलेजा मुंह में आ जाएगा। दरअसल मेल फिश अपने से बड़ी फीमेल फिश के सीधे पेट में ही घुस जाते हैं और दोनों अंदर ही अंदर मिलकर एक हो जाते हैं, और फिर उनके अंदर एग फर्टिलाइज होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मछली का जबड़ा इतना ज्यादा खुल सकता है कि अपने से साइज में बड़े क्रिएचर को भी आसानी से पूरा का पूरा निकल सकती है। नंबर 1, डम्बो ऑक्टोपस। इस क्रिएचर का नाम डम्बो नाम के एक कार्टून कैरेक्टर से लिया गया है। डम्बो एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है, जोड़ने वाला एलिफेंट है। यह ऑक्टोपस कुछ उसी की तरह नजर आता है।
इसके जो दो छोटे छोटे कान नजर आ रहे हैं, दरअसल कान नहीं है बल्कि इसके फिन्स है जो इसे बहुत ही क्यूट बनाते हैं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इसे बिल्कुल ऐसा लुक देती है जैसे ये सचमुच का कार्टून कैरेक्टर हो। ये ऑक्टोपस की एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है जो बहुत गहरे समुन्द्र में पाई जाती है। ये लगभग 23,000 फीट गहराई में रहती है। इनकी सबसे कमाल की खासियत यह है कि अपना कलर बदल सकते हैं और अपने शिकारियों को बड़ी आसानी से धोखा दे सकते हैं, वही अपने शिकार को भी बड़ी आसानी से फंसा सकते हैं। ये अपने शिकार को एक ही बार में पूरा निगल जाते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में डुबकी लगाकर और वहां की क्रिएचर से मिलकर आपको कितना मजा आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।